हमारा नाम श्री सोनी है। अच्छा, हमारा नाम श्री सोनी है, हम कौड़िया के निवासी हैं और इस आयोजन का सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुओं को जगाया जाए, हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए, यही हमारे रैली का मेन उद्देश्य है। क्या रैली का नाम नहीं बताया आप, जितने नहीं किए आपकी रैली कहाँ से निकल रही है? श्री राम शोभा यात्रा है, पद यात्रा रहेगी कौड़िया से लेकर देवरपुर तक, जिसमें हाथी घोड़े समेत रथ डीजे सारे चीज रहेंगे। आज राम चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, इसके पहले भी कभी किए थे कि पहली बार कर रहे हैं? इसके पहले दो बार हो चुका है। हाँ, इसके पहले दो बार हो चुका है। जैसे परमिशन वगैरह है? जी, हमारे पास सारी परमिशन वगैरह है। यहाँ से कहाँ पे आएंगे आप? कौड़िया से पहले देवरपुर तक जाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे। कितने लोग रैली में शामिल हो रहे हैं, जो जागरूकता आपकी है? लगभग 500 लोग रहेंगे। की व्यवस्था है? जी, थाना पूरा प्रोटेक्शन दे रहा हम लोगों को, पूरा सहयोग है थाना का। कितने बजे से आपकी यात्रा निकलेगी, कब तक? 5 बजे से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, उसके बाद शाम 5 बजे से लगभग कब तक वापस आ जाएंगे? 7:30 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। देवरपुर तक जाएंगे? देवरपुर तक। जी, देवरपुर चौराहे से घूम लेंगे। जी, देवरपुर से जी कौड़िया में समाप्ति, उसके बाद वगैरह कुछ ऐसा कि रोड टू रोड है, जैसे कहीं रुकेंगे, कोई जनसभा वगैरह नहीं करेंगे? नहीं, कोई जनसभा नहीं है, रोड शो रहेगा, उसके बाद फिर आना। यहाँ प्रसाद पद यात्रा होगी, यहाँ प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है, जितनी चीज़ें हैं। पहले कुछ आयोजन और भी किए थे आप? जी, इसके पहले रामनवमी के ही उपलक्ष्य में निकला था, फिर उसके पहले तिरंगा यात्रा भी निकल चुका है। आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हैं और क्या करते हैं आप? चलिए पहले परिचय दीजिए आप। मैं प्रिंस सिंह मोंटी, नगर पंचायत बूढ़ा से चेयरमैन चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, समाज सेवी हूँ। अच्छा, ये बताइए जो आयोजन के द्वारा किया जा रहा है, इनके बारे में कुछ जानते हैं? ये हमारा छोटा भाई है, हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हमेशा कराता, बहुत पहले से कराता आ रहा है। हाँ जी, पहले से। इनके द्वारा जो पहल की जा रही है अच्छी है? जी, अच्छी पहल है। हर रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलना, हिंदुत्व के बारे में ऐसे ही सभी युवा हिंदुत्व लेके जाकर जागृत होंगे। और आप भी इसमें शामिल होने के लिए आए हैं कि नीचे होने का प्रोत्साहन करने के लिए आए? मैं छोटे भाई का प्रोत्साहन करने के लिए आया हूँ। और कुछ बताना चाहते हैं इनको कि ऐसे ही आगे लगे रहे और धर्म प्रचार होना चाहिए? जी, अपने अपने धर्म का प्रचार जरूर होना चाहिए और सभी युवाओं को मिलकर साथ में करना चाहिए।